व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सीधा दिन से। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस दिन, तो मैं बाहर गई थी खुद को लेकर के कि चलो कहीं कुछ जाते हैं खाते पीते हैं तो मे भी अच्छा लगेगा। और मैं जहाँ जिस मॉल में गई थी वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का कॉटन कैंडी मिल रहा था, एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं खाया अपनी ज़िंदगी में ऐसा। तो फिर मैं सोची कि चलो ट्राई करते हैं, फिर मैंने ऑर्डर किया। मशीन देख के मैं फैंटिसाइज हो गई, तो मैंने कर लिया ऑर्डर। मेरे को पता नहीं था स्कैम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और टेस्ट में भी बहुत एवरेज था। 10 वाला कॉटन कैंडी ज़्यादा बेटर होता है इससे। फिर मैं बस मॉल में मुँह छुपाते छुपाते खा रही थी, बिकॉज सब लोग कुछ और खा रहे थे और मैं कॉटन कैंडी में मुँह छुपा रही थी। जाते के साथ ही खत्म हो जाता है। कॉटन कैंडी खाने में मेरा इतना पोपट बना है, मैं उसको अपने मुंह के पास ला रही थी, मेरा पूरा फेस कवर हो जा रहा था, यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ नहीं लग रहा था। एंड देन फिर मुझे हाथ से तोड़ तोड़ के खाना पड़ा। एंड जो 10 रुपए का कॉटन कैंडी खाते हैं ना, वो जिस स्पीड में ख़त्म होता है उसके डबल स्पीड में ख़त्म हुआ है। कुछ वॉल्यूम नहीं था, 120 रुपए गए मेरे, मतलब गए। पर अच्छा लग रहा है यार, नई चीज़ें ट्राई करने में अच्छा लगता है। एंड फिर मैं जब गेम जोन में गई, मेरा इतना मन अच्छा अच्छा हो गया, इतने सारे गेम्स थे, पर ये सब स्कैम होता है मुझे पता है, पर फिर भी खेलने का मन कर रहा था। और मेरे साथ कोई मेरे दोस्त वगैरह थे नहीं, तो आई वाज लाइक अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तब खेलूँ। फिर मैं डोमिनोज गई, बिकॉज यहाँ का पिज़्ज़ा मेरा कम्फर्ट फूड है। आई मीन ऐसा होता है ना, जैसे मेरा जो होम टाउन है पटना, वहाँ पर तो स्टार्टिंग में डोमिनोज वगैरह से ही हम लोग खाने जाते थे एज आउटिंग। अब तो वैसे बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट ये ऐसा है जो दिल के बहुत करीब है, स्कूल से आकर के डोमिनोज जाना या फिर मम्मी जब खुश हैं तो फिर डोमिनोज मंगवा रही हैं घर पे। सो यस, फिर थोड़ी देर मैं बाहर निकली तो मुझे बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मैं ये सब झूला देख के मुझे लिटरली यही लग रहा था, काश मैं अभी भी बच्ची होती, बिकॉज बड़ा होना तो बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा है। तो कल मेरे को लग रहा था कि मैं बाहर जाऊँगी, बाहर से आऊँगी तो थोड़ी तबियत ठीक लगेगा, फिर मेरी तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। दिल्ली में मौसम ही क्या हो रखा है, लाइक एंड ऑफ मार्च और अभी तक यहाँ पे बहुत गर्मी रहता था, पर ठंड है, कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो चेंजेस होगा ही बॉडी में, बॉडी कोप अप नहीं कर पाता है बहुत बार। तो सुबह से तो मैं बस सो ही रही हूँ, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं काम नहीं हुआ है। थोड़ा मोड़ा पढ़ाई हुआ है पर वो भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सा फील हो रहा है। बट देन बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। एंड अभी मैं जा रही हूँ एक वीडियो रिकॉर्ड करने, बिकॉज अगर आज नहीं करूँगी फिर पेंडिंग हो जाएगा, मेरे को पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड होगा ऐसे मरा हुआ शक्ल में, पर देखती हूँ, आई एम ट्राई। तो ये वो बैकग्राउंड है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रील्स मेरे शूट होते हैं, और ये मैंने खुद से बनाया है, ये पेंटिंग खुद का बनाया हुआ है, प्लांट में लेकर के आई थी, और ये वॉलपेपर छोटा सा खरीदी थी, जितने दूर का फ्रेम है उतने दूर का। तो काफ़ी जुगाड़ू एंड बजट फ्रेंडली सा सेटअप है। नहीं, मैं बस इस पर वीडियो बनाऊंगी एंड देन फिर मेडिसिन वगैरह लूंगी एंड थोड़ा सा पढ़ाई करूंगी, बिकॉज वो भी नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। एंड देन सी यू गाइज टुमारो। मेरे को दो पार्सल रिसीव हुआ है, मैं अपना कुछ कुछ काम कर रही थी, एंड एक कोलैबोरेशन का है वो तो मुझे पता है, और एक और मुझे नहीं पता किसका है, तो आई एम एक्साइटेड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्सल दैट आई हैव रिसीव्ड, एंड इसमें मेरे को एक हेयर ऑयल रिसीव हुआ है और एक शैम्पू रिसीव हुआ है, बोटानिका का है। पेड कोलैबोरेशन नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे पेड कोलैबोरेशन आ रहा है। एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्सल, और ये मेरे को पता नहीं है कि क्या है इसमें। ओ, इसमें वॉलेट है, लाइक मेरा भाई कह रहा था मुझे कि ही इज अबाउट टू गिव मी वॉलेट। Oh, and this is of Lino Peros. Oh my God, so pretty. Look at this. पता है मेरे पास जो पहला पर्स है जो मैं कॉलेज से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक यूज़ कर रही हूँ, वो लिनो पेरोस का ही है, लाइक वो बड़ा ब्लैक हैंड बैग है। एंड नाउ दिस, ओह माय गॉड, थैंक यू भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड यस, दिस इज द वॉलेट, आई लव इट, बहुत डिसेंट सा कलर है, तो आई गेस ये सारे आउटफिट पे जाएगा मेरे। मेरा बर्थडे आ रहा है एक्चुअली 20 अप्रैल को है, तो आई गेस उसके लिए उसने मेरे को भेजा है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड देखो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली होती हूँ ना, तभी इनको भौंकना होता है, उससे पहले शांति रहता है। एंड शांति देख के मैं कैमरा खोलती हूँ, तो मैं जैसे ही कैमरा खोलती हूँ, बो बो बो। एक ही वीडियो में मेरे साथ दो दो पोपट हुआ है, एक तो कॉटन कैंडी वाला आप लोगों ने देख ही लिया, दूसरा कल मेरे पास लिनो पेरोस का पर्स आया था, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ है दिन में। एंड मैंने चेक वेक नहीं किया, फिर मेरे भाई ने बोला कि एक बार चेक कर लो सब कुछ सही या नहीं, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मेरे को ये तक नहीं दिखा कि इसका जिप खराब है, दिख रहा है इसका जिप खराब है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है रिटर्न में डाल दो, एंड उसने रिटर्न में डाल दिया। बट द थिंग इज कि अब मैं नहीं ले रही हूँ ऑनलाइन इसको, अब मैं ऑफलाइन जाकर के स्टोर से लूँगी, अच्छा नहीं लगा मुझे।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन था इस पूरे वीक मेरे साथ, मेरी तबियत खराब हुआ एंड देन फिर कुछ कुछ तो होते ही रहा. बट आई होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ यू गाइज हैव लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.